हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने के मैंने आपको तरीके बताए थे कि किस तरीके से हम करेंगे। उन तरीकों को आप अप्लाई करके सॉलिड स्टेट के सभी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बाई कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है क्रिस्टल दोष, कि क्रिस्टल दोष क्या होते हैं और ये किसी भी ठोस के अंदर जब उत्पन्न होते हैं क्रिस्टल दोष, तो उसकी वजह से क्या कुछ फायदे होते हैं या क्या नुकसान होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने पढ़ते हैं एक छोटी सी बात कि आदर्श क्रिस्टल क्या होता है। आदर्श क्रिस्टल मतलब आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, आदर्श क्रिस्टल क्या चीज है? देखिए, मान लीजिए अपने पास कोई भी क्रिस्टल लैटिस है या फिर कोई भी एक यूनिट सेल है, जैसे ये यूनिट सेल होगी, इसमें जो अवयवी कण होते हैं यूनिट सेल के, वो सारे के सारे अवयवी कण कोने पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोने पर हो गए, फलक पर हो गए, कहीं भी किसी भी प्रकार की यूनिट सेल है, उसमें जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। परंतु अगर किसी कारणवश किसी वजह से जब अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो क्रिस्टल जालक या इकाई कोष्टिका में प्रेजेंट सभी अवयवी कण अपनी निश्चित स्थिति पर नहीं बने रहते, उनको वे अपनी जो स्थिति है उससे हट जाते हैं या विचलित हो जाते हैं, जिसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई अवयवी कण था, वो अपनी स्थिति से हटके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया इसके अंदर कि इस अवयवी कण के हटने से क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, और ये दोष हमारे लिए क्या उपयोगिता लिए हुए होता है, इस चीज को अपने स्टडी करेंगे। दूसरी चीज, इसकी वजह से क्रिस्टल में ध्रुवणता परिवर्तन हो जाता है या ध्रुवणता उत्पन्न होती है। ठीक है, इस चीज को अपने समझेंगे। तो आइडियल क्रिस्टल क्या होता है या आदर्श क्रिस्टल क्या होता है, कि किसी इकाई कोष्ठिका में उपस्थित जो अवयवी कण है वो अपनी निश्चित स्थितियों पर बने रहते हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है बेटा जब जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है, यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कोई आदर्श क्रिस्टल में या जीरो केल्विन टेम्परेचर पर इकाई कोष्ठिका में अवयवी कण अपनी निश्चित स्थिति पर बने रहते हैं, उसको हम आदर्श क्रिस्टल बोलते हैं। और जब टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाता है तो अवयवी कण अपनी स्थिति से हट जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है और इसी वजह से ध्रुवणता आ जाती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो क्रिस्टल दोष क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्रिस्टल दोष की डेफिनेशन लिखने के बाद में अपने पढ़ते हैं कि क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्रिस्टल दोष के प्रकार पढ़ते हैं। तो क्रिस्टल दोष के प्रकारों को हम दो प्रकार से बांट देते हैं, और दो प्रकार कौन कौन से बांट देते हैं? पहला अपने बांट देते हैं बिंदु दोष या परमाणवीय दोष, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक दोष। जैसे पहले अपने लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और दूसरा बिंदु दोष या फिर परमाणवीय दोष। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक दोष जो है वो किसकी वजह से उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न होगा। और इसी तरीके से ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? नाम से स्पष्ट हो रहा है बिंदु दोष या परमाणवीय दोष, परमाणु की वजह से उत्पन्न होता है। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक दोष को अपने आगे भी एक टॉपिक आएगा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं यानी अर्धचालक जो होते हैं उसमें, उसकी अगर अपने को चालकता बढ़ानी है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसके अंदर भी ये टॉपिक आता है। तो उससे पहले मैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक दोष समझाऊं, तो जैसे अपने सबसे पहले अर्धचालक लेते हैं। ठीक है, अर्धचालक जैसे सिलिकन और जर्मेनियम, ये किस वर्ग के सदस्य है? वर्ग 14 के सदस्य आवर्त सारणी में। ठीक है, ध्यान से समझना,
सिलिकॉन की जो प्लेट होती है सौर ऊर्जा के अंदर काम में लेते हैं अपने, जिससे विद्युत की उत्पत्ति होती है। कैसे विद्युत की उत्पत्ति होती है? तो अगर हम सिलिकॉन को पढ़ें तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल भाषा के अंदर अपने देखें तो 2, 8 और 4, यानी इसके जो बाह्यतम कोष है, ध्यान से समझ लेना पहले, बाह्यतम कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के अन्य सभी परमाणुओं के साथ, सिलिकॉन के अन्य परमाणु, जैसे ये 2 सिलिकॉन के परमाणु हो गए, इन सभी के पास में क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है, ये यहाँ पे साझा कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से ये वाला सिलिकॉन आगे इस तरीके से ये एक यूनिट बन जाती है, ये सिलिकॉन के परमाणु इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये सिलिकॉन के परमाणु बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आया आपके कि सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध से बंधित होते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो बंध होता है वो वीक होता है, ठीक है, वीक होने की वजह से क्या होता है कि जब अपने टेम्परेचर को इनक्रीज करते हैं तो इनके बीच में बना हुआ जो सहसंयोजक बंध है, ये सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, और सहसंयोजक बंध जब टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन गमन करने के लिए मुक्त हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो विद्युत धारा का चालन होता है, इनको बोलते हैं अर्धचालक, यानी सामान्य परिस्थितियों के अंदर ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते। विद्युत धारा का चालन कब करेंगे? जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होगा? जब अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच में जो सहसंयोजक बंध है वो वीक होता है, वीक होने की वजह से यहां पे जब लाइट गिरेगी या टेम्परेचर गिरेगा तो ये जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। देखना ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन साझा किए हुए हैं इस तरीके से, ध्यान से समझना इस चीज को कि ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे जैसे ही लाइट गिरेगी तो ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में सहसंयोजक बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन गमन के लिए फ्री हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल जालक में इधर उधर चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक दोष, किसके कारण उत्पन्न हुआ ये? इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, और ये इसकी चालकता में वृद्धि करता है, तो इसको बोलते हैं अपने अर्धचालक। और इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न हुआ है उसको हमने कौन सा दोष बोल दिया? इलेक्ट्रॉनिक दोष बोल दिया। अब देखिए आप नेक्स्ट कि अर्धचालकों की अपने को चालकता बढ़ानी है। मान लीजिए ये अपने पास एक अर्धचालक है, अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी चालकता को अगर बढ़ानी है तो इसमें हम अशुद्धियों का प्रयोग करते हैं। किसका? अशुद्धियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इनमें मिलाते हैं अशुद्धियां। अब अशुद्धियां कैसे मिलाते हैं समझना इसको, कि मैंने बोला सिलिकॉन के परमाणु 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं इस तरीके से अन्य सभी परमाणुओं के साथ, ठीक है, ये सिलिकॉन के परमाणु अन्य सभी परमाणुओं के साथ में बंध बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं कि सिलिकॉन के परमाणु में मैंने कोई और ग्रुप का, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम वर्ग 14 की है, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, ठीक है, इसमें से हम इन दो को ही पढ़ते हैं पहले। अब इसमें जैसे मान लीजिए मैंने वर्ग 13 या वर्ग 15 के तत्वों को मिला दिया, ठीक है, वर्ग 13 का जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम और थेलियम, इसमें से किसी को भी मिला दिया, फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम को मिला दिया। एल्यूमिनियम में आप देखिए कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3, और आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। यहां पे मैं एल्यूमिनियम को लिखता हूं जिसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, 3 सिलिकॉन के साथ में तो एल्यूमिनियम बॉन्ड बना लेगा,
परंतु चौथे सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड नहीं बना पाएगा यहां पे, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पर जो एक रिक्त स्थान बन गया है इसको बोलते हैं धनात्मक छिद्र, धनात्मक छिद्र, पॉजिटिव होल, ये बन गया पॉजिटिव होल बन गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से गमन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन के अंदर आ गया, तो इस रिक्ति के अंदर तो यहां पे कंप्लीट होगी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, परंतु ये जो रिक्ति है वो कहां पे चली गई, यहां पे चली गई। इसके बाद में क्या होगा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और ये रिक्ति आपको यहां पे जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिक्ति के अंदर आएगा तो वो अपनी जगह छोड़कर फिर आएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो रिक्ति है वो इस साइड जाती हुई हमें प्रतीत होती है, फील होती है। ठीक है, ये इस तरीके से गमन होता है इनका और विद्युत धारा का चालन होता है। यानी कहने का मतलब यहां पर टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है हमें। अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, वर्ग 13 के सदस्यों की अशुद्धियां मिलाई है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं वर्ग 15 की अशुद्धि मिला दूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इसमें से मान लीजिए मैंने फास्फोरस की इंप्योरिटी को इसके अंदर मिला दिया, अशुद्धि को मिला दिया। देखिए फास्फोरस की अशुद्धि को कैसे मिलाएंगे, तो यहां पर मान लीजिए मैंने फास्फोरस मिला दिया। अब फास्फोरस को देखें तो 2, 8 और 5 यानी बाह्यतम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 4 इलेक्ट्रॉन ने अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बना लिया, परंतु इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसने कोई भी बंध नहीं बना रखा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे क्रिस्टल जालक के अंदर मोशन करता है, गमन करता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब हम अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए वर्ग 13 और वर्ग 15 की अशुद्धियों का उपयोग कर सकते हैं। जहां पर वर्ग 13 को हमने यूज किया था अशुद्धियों के रूप में, वहां पे पॉजिटिव होल बना था, तो इसको बोलते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। क्या बोलते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हमने वर्ग 15 में फास्फोरस को मिलाया तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है ना, तो पी का मतलब पॉजिटिव से है और एन का मतलब नेगेटिव से है। आप केवल और केवल यहां पर ये चीजें मैं आपको दोबारा से रिपीट करवाऊंगा, आपको केवल यहां पे इलेक्ट्रॉनिक दोष ध्यान में रखना है, जो किसकी वजह से उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये होता किसमें है, ये अर्धचालकों के अंदर होता है, जिसमें अर्धचालक में मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम जो वर्ग 14 के सदस्य हैं। अब सुनो ध्यान से कि सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अन्य सिलिकॉन के परमाणुओं से 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। 4 सहसंयोजक बंध बनाने के बाद में ये जो बंध होता है वो वीक होता है। जब अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो बॉन्ड होगा सहसंयोजक बॉन्ड वो इनके बीच का टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मोशन कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक दोष की वजह से क्रिस्टल जालकों में चालकता उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये इसकी उपयोगिता है। अब होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर को यूज करते हैं तो ये चालकता बढ़ा देते हैं, परंतु क्या हम बिना टेम्परेचर के भी ऐसे कोई प्रोसेस कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम इसके अंदर क्या मिलाएं, अशुद्धियां। और अशुद्धियां कैसी, जैसे सिलिकॉन की प्लेट है तो उसमें हम सिलिकॉन के अलावा किसी दूसरे प्रकार के परमाणु मिला दें, किसी दूसरे प्रकार के तत्वों का उपयोग करें, जैसे जर्मेनियम है तो उसमें दूसरे प्रकार के तत्वों का उपयोग करें। कैसे करें, तो जैसे वर्ग 14 है तो वर्ग 14 में सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्य अर्धचालक है। अब इसके अंदर हमने जब वर्ग 13 को मिलाया तो एक इलेक्ट्रॉन की यानी एक धनात्मक रिक्ति बन गई, धनात्मक छिद्र बन गया,
जिसके अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन करते रहते हैं और जिस तरफ धनात्मक छिद्र गमन करता है उसी तरफ विद्युत धारा का चलन होता है। ये पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। और जब वर्ग 15 को मिलाया, फास्फोरस को मिलाया, तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच गया जो पूरे क्रिस्टल जालक में मोशन करता है और इसको एन प्रकार के अर्धचालक हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया मुख्य रूप से क्या, इलेक्ट्रॉनिक दोष। ये किसके कारण उत्पन्न हुआ, ये सारी लैंग्वेज आप जब एक बार रीडिंग लगाओगे इसकी तो एग्जैक्ट आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरा, अपने जब अर्ध चालकों की चालकता को पढ़ेंगे तब दोबारा से इसको स्टडी करेंगे एक बार दोबारा। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है बिंदु दोष या परमाणीय दोष। अब बिंदु दोष क्या होता है, परमाणीय दोष क्या होता है, इस चीज को अपने अच्छे से स्टडी करेंगे। दूसरा अपने पास आता है बिंदु दोष या फिर परमाणवीय दोष। ठीक है, अब बिंदु दोष क्या होता है, परमाणवीय दोष क्या होता है, तो यह किसकी वजह से उत्पन्न होता है, परमाणु की वजह से उत्पन्न होता है। कोई भी परमाणु या अवयविकण अपनी स्थिति को छोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे इसको सबसे पहले मैं दो प्रकार से बांटता हूं। ठीक है, एक पहला मान लीजिए मैंने बांट दिया रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, और दूसरा मैंने बांट दिया अंतराकाशी दोष, अंतरा अवकाश, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अंतरा अवकाश। अब देखिए रिक्तिका दोष के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए अपने पास ये कोई एक क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में इस तरीके से कोई भी अवयविकण किसी भी प्रकार के प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर कि ये इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले परमाणु की बात करता हूं तो ये परमाणु किसी भी वजह से अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर क्या निकल गया, बाहर निकल गया। उसकी जगह पे क्या बन गई, ये रिक्ति बन गई, वॉइड बन गई। क्या बन गई, वॉइड बन गई। इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष बोलते हैं, रिक्ति का दोष, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। और इसकी वजह से जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या या मास, इसका द्रव्यमान है वो घट गया, जिसकी वजह से इसमें जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। सेम आप यही चीज देखिए अंतराकाशी दोष के अंदर कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये अवयवी कण है, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो इसमें चार जो अवयवी कण है वो आपस में एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक होते हैं और उनके बीच में कुछ जगह खाली बन जाती है। अब बाहर से कोई अवयवी कण इसके अंदर आके बैठ जाए अंतरा अवकाश में, यानी उनके बीच में जो खाली जगह बची हुई है या रिक्तियां बची हुई है उसमें बाहर से कोई परमाणु आया और इसके अंदर बैठ गया या आके रुक गया, तो इस प्रकार से जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ उसको अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये बढ़ने का निशान लगाया मैंने, तो ये घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये दो प्रकार के दोष होते हैं, अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि इन्हीं दोषों को हम एक दूसरे तरीके से अगर हम बांटे तो दो प्रकारों के अंदर और बांट सकते हैं, एक होता है स्टोइकियोमेट्री और एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री। जैसे दो प्रकार हो गए, ठीक है, पहला किसके अंदर बांट दिया, स्टोइकियोमेट्री दोष, स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, और दूसरा जो दोष का प्रकार आ गया वो आ गया नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। ठीक है, इनको ध्यान से समझना, ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, स्टोइकियोमेट्री दोष,
स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। देखिए इसको ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है NaCl, और इस फॉर्मूले के अंदर जो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है उनका रेशियो 1:1 है, और ये इसका क्या है, ये आणविक सूत्र है, ये इसका क्या है, आणविक सूत्र है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको कि ये दोष होता क्या है, उसके बाद में मैं समझाऊंगा आपको वास्तविकता के अंदर ये है क्या। तो देखिए ये अपने पास क्रिस्टल लैटिस है जिसमें अवयवी कण इस तरीके से प्रेजेंट है, एक सोडियम आयन 4 क्लोराइड आयनों से और इसी तरीके से एक क्लोराइड आयन 4 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। ठीक है, आपने NaCl का ये एग्जांपल ले लिया, या फिर आप इसकी जगह पे A पॉजिटिव और B नेगेटिव लिख लेना। मैंने आपको NaCl के एग्जांपल से समझाया है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये किसी भी प्रकार का जो आयनिक ठोस होता है उसके अंदर इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। किस प्रकार के ठोसों में, आयनिक ठोसों में। तो आप NaCl का एग्जाम्पल लेने की बजाय आप किसका एग्जाम्पल ले लेना, AB का, और इस AB को A पॉजिटिव और B नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर लेना। जहां पे Na पॉजिटिव लिखा है वहां पे A पॉजिटिव कर लेना, जहां पे Cl नेगेटिव लिखा है वहां पे B नेगेटिव कर लेना। तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट है इनकी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। अब देखिए होता क्या है, ये प्रेजेंट हो गए। अब क्या होता है कि इसमें अगर किसी टाइम एक धनायन अपने क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाता है, जैसे मान लीजिए ये सोडियम आयन क्रिस्टल जालक से क्या आ गया, बाहर आ गया, ये सोडियम आयन बाहर आ गया, उसी टाइम देखो इसमें अगर अपने ध्यान से देखें तो सोडियम आयन यहां पे अगर प्रेजेंट है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 तो पॉजिटिव है और 6 ही क्या है, नेगेटिव, यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस क्या है, विद्युत रूप से उदासीन है। परंतु एक सोडियम आयन यहां से क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल गया, उसी टाइम एक क्लोराइड आयन भी क्रिस्टल जालक को छोड़कर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, क्रिस्टल जालक अभी भी क्या है, उदासीन है। परंतु अगर हम इनकी संख्याओं की कंपैरिजन करें तो संख्याएं पहले सोडियम आयन की 6 थी और क्लोराइड आयन की 6 थी और उनका रेशियो 1:1 था। ठीक है, परंतु डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद में सोडियम के आयन कितने बचे बेटा, 5, और क्लोराइड के आयन कितने बचे, 5, इनका रेशियो अभी भी कितना है, 1:1 है। इस चीज से आप क्या समझे कि स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद में जो धनायन है और ऋणायन है उनका अनुपात वही बना रहता है जो उनके प्रारंभिक आणविक सूत्र में होता है। ठीक है, यानी आणविक सूत्र का और दोष उत्पन्न होने के बाद में जो सूत्र अपने पास बचता है उसमें जो धनायन और ऋणायन का रेशियो है वो रेशियो इक्वल रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कौन सा दोष, स्टोइकियोमेट्री दोष। नेक्स्ट अपने पास जो आता है, इसी दोष को अपने आगे पढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप, इसी दोष को अपने आगे पढ़ते हैं और इसी दोष के दो प्रकार बांटते हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार आता है उसको हम बोलते हैं शॉटकी दोष, शॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा जो दोष का प्रकार होता है, दूसरा जो दोष का प्रकार है वो है फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। ठीक है, ये दो प्रकार से अपने पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि शॉटकी दोष कब उत्पन्न होता है और फ्रेंकल दोष कब उत्पन्न होता है। देखो दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं अपने, कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक क्रिस्टल लैटिस है, जैसे अभी हमने NaCl का एग्जांपल लिया था, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे Na पॉजिटिव या A पॉजिटिव को ले लेते हैं, किस प्रकार के ठोसों में उत्पन्न होता है, आयनिक ठोसों में, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, इस तरीके से
अपने पास कोई कंपाउंड है, इस तरीके से अपने पास कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, इसको आप ऐसे बना लेना प्रॉपर, गलतियां मत करना, ध्यान रखना इनका, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये अपने पास एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, शॉटकी दोष उत्पन्न होता है उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, शर्त के अंदर, शर्त से पहले आप एक चीज देखो कि इसमें मैंने आपको क्या बताया, रेशियो समान रहता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्रिस्टल लैटिस से एक धनायन बाहर निकल गया तो एक ऋणायन बाहर निकल जाता है, यानी यहां पे क्या बन जाती है, निरिक्ति बन जाती है, जिसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है, समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन, तो इसके लिए शर्त क्या है कि ये उन्हीं ठोसों के अंदर या उन्हीं आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है जिनमें समन्वय संख्या क्या हो, समन्वय संख्या उच्च हो, ठीक है, और दूसरी शर्त यह है कि इसमें जो धनायन का आकार है, धनायन का आकार वो बराबर होना चाहिए किसके आकार के, ऋणायन के आकार के, यानी ये उन्हीं ठोसों के अंदर उत्पन्न होगा आयनिक ठोसों में जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार के बराबर होता है, तभी तो ये समान संख्या में निकल पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं निकल पाएंगे, तो ये होगी इसके लिए शर्त। तीसरी चीज इसके अंदर देखो, जैसे रिक्तिका दोष के अंदर करवाया था उसमें वॉइड बन रही थी, तो इसी में भी क्या बन रही है, वॉइड बन रही है, तो ये एक प्रकार का कौन सा दोष है, एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, रिक्तिका दोष है, और ये इसकी वजह से जो घनत्व होता है वो घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी शॉटकी दोष के अंदर क्या होता है, घनत्व कम होता है, ये शॉटकी साइंटिस्ट का नाम है और फ्रैंकल भी साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इनके दोषों के बारे में बताया था। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर ये चीज पूछी जाती है कि शॉटकी डिफेक्ट किस प्रकार के आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है, तो जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है और जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है। सेम चीज अगर हम इसके अंदर देखें तो अपने पास ये क्रिस्टल लैटिस है जिसके अंदर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव इस प्रकार के आयन बने हुए जो व्यवस्थित है अपनी जगह पे, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना कि इसको आप बना लेना उस तरीके से, इन चारों के बीच में जो कुछ खाली जगह बन चुकी है, इस खाली जगह में बाहर से कोई छोटा आयन, सॉरी बाहर से नहीं, इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होता है कि पहली बात ये उनके अंदर उत्पन्न होता है जिनमें समन्वय संख्या क्या हो, समन्वय संख्या निम्न हो, समन्वय संख्या क्या हो, निम्न हो। दूसरी चीज ये उनके अंदर उत्पन्न होता है, यानी ये इसके लिए शर्त होगी, यानी आवश्यक शर्तें, जिसमें धनायन का आकार छोटा होता है ऋणायन के आकार से, किससे, ऋणायन के आकार से, यानी इसमें क्या होता है कि धनायन का जो आकार होता है वो ऋणायन के आकार से छोटा होता है, तो धनायन अपनी जगह को छोड़ के विस्थापित हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए तरबूज का ढेर है, उसमें खाली जगह बची हुई है और उस खाली जगह में अपने नींबू डाल देते हैं, तो वो नींबू क्या होते हैं, जैसे ट्रक के अंदर भर रखे हैं, तो नींबू उस खाली जगह में से इधर उधर गमन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भी धनायन, धनायन का आकार क्या है, छोटा है, और धनायन क्या होता है, अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाला धनायन अपनी जगह से क्या हो गया, विस्थापित होकर यहां पे आ गया और इसकी जगह पे क्या बन चुकी, एक खाली जगह बन चुकी, इसमें ए छोटे बना लेना और बी बड़े बना लेना, तो ये आ गया यहां पे। तो बताइए कि ये एक प्रकार का कौन सा दोष है, अंतराकाशीय दोष है, जैसे उसके अंदर करवाया था। अंतराकाशीय दोष में पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कि बाहर से कोई परमाणु आता है लेकिन यहां पर धनायन का छोटा आकार होने के बाद के कारण, जैसे नींबू का है, तो अंतराकाशीय सतलों के अंदर ये चीजें आ गई। और नेक्स्ट, इसमें जो घनत्व होता है वो घनत्व क्या होता है,
अपरिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल जालक से न ही अवयवी कण बाहर निकला है न ही अंदर आया, बल्कि इसकी इसके अंदर ही अवयवी कणों की स्थिति है। फ्रेंकल दोष के अंदर घनत्व है, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित इसलिए क्योंकि कोई भी अवयवी कण अपनी किसी भी स्थिति को छोड़कर बाहर क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं निकला है और न ही अंदर आया, बल्कि पूरे क्रिस्टल लैटिस में अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हुआ है। तो घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित। और ये बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंकल दोष। अब देखिए नेक्स्ट है, उदाहरण अगर हम पढ़ें तो जो क्षार धातुओं के हैलाइड होते हैं जैसे NaCl, KCl, CSCl, RBCl, NaF या KF, ठीक है, इस तरीके के जो कंपाउंड है वो शोटकी दोष उत्पन्न करते हैं। जबकि फ्रेंकल दोष के जो उदाहरण है उसमें सिल्वर के हैलाइड जैसे AgCl, AgI, ठीक है, और जो AgBr एक सिल्वर का हैलाइड है जो शोटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। ये पीएमटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रकार का आयनिक ठोस बताइए जो शोटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के डिफेक्ट उत्पन्न करता है, तो कौन सा? AgBr। देखिए स्टोइकियोमेट्री दोष कितने टाइप के हो गए? दो प्रकार के हो गए, शोटकी दोष और फ्रेंकल दोष। शोटकी दोष के लिए शर्त क्या होगी? समनुमेय संख्या उच्च और धनायन और ऋणायन का आकार बराबर। जबकि फ्रेंकल दोष में शर्त क्या होगी? समनुमेय संख्या निम्न और धनायन और ऋणायन, धनायन का जो आकार होगा वो ऋणायन के आकार से छोटा होता है। ये एक प्रकार का रिक्ति का दोष है शोटकी दोष, और ये एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। इसमें घनत्व घट जाता है और इस फ्रेंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और दोनों के उदाहरण चाहे आपको अंतर पूछ ले, चाहे आपको शर्त पूछ ले, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। तो आज हमने इस चैप्टर के क्रिस्टल डिफेक्ट के अंदर जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक दोष, जो किसकी वजह से उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। उस चीज को आप एक बार रिपीट करना, जो चीज समझ में नहीं आई है वो दोबारा से पूछ लेना। नेक्स्ट अपने पास रिक्तिका और अंतराकाशी दोष पढ़ा है, स्टोइकियोमेट्री दोष शोटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट, इनको आप अच्छे से लिख लेना इनको, और जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।